मैं स्वागत करता हूं अर्णब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है और ऐसे लोगों की और गिरफ्तारी की जाए ताकि इस देश में कम से कम मीडिया जो गलत बयानी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग सके। हमारे मुल्क में जब से बीजेपी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, मीडिया बिल्कुल तलवे चाट रहा है और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब जो हजारों साल की है सिर्फ बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम हिंदू करके इस गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करके आपस में मुसलमान हिंदू को लड़ाने का काम मीडिया कर रही है। तबलीगी जमात का मामला आया, बाद में कोर्ट ने कहा कि इनको बलि का बकरा बनाया, कोई गलती इनकी नहीं। कई महीने तक ये अर्णब गोस्वामी जैसे लोग और कई एक टीवी के लोग ऐसी बुरी तरह से इनके बारे में कह रहे थे कि इस देश में कई जगह फसाद हो गए, कई लोगों की हत्याएं हो गई सिर्फ इन मीडिया वालों की वजह से गलत बयानी करने के बाद। और जब कोर्ट ने मान लिया कि जो कुछ कहा गया है तबलीगी जमात के बारे में सब गलत है, इनकी कोई गलती नहीं बल्कि इन्होंने अच्छा काम किया है, उसके बाद इन्होंने कभी दिखाया नहीं इस चीज को। पहले नफरत फैलाएंगे एक बार नहीं और कई बार लगातार नफरत फैलाएंगे, और खासतौर से अर्णब गोस्वामी यह आदमी महाराष्ट्र में रहकर के जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा था, ओ उद्धव, ओ संजय राउत, शरद पवार साहब, शर्म नहीं आती इसको। मुझे बहुत खुशी है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, सजा मिलना चाहिए और ऐसे जितने पत्रकार हैं उन सब पर केस करके उनको गिरफ्तार किया जाए कि ये डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं। डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अगर हक है, अगर प्रेस वाले ये कह रहे हैं कि इनको हक है बोलने का, इनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, तो मैं इनसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज अगर योगी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसी ने एक बयान दिया तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। यानी सरकार की मुखालफत करना ये देशद्रोह समझते हैं, तो ये मीडिया वाले चुपचाप क्यों बैठे हैं, उस वक्त क्यों नहीं बोलते ये। मैं स्वागत करता हूं अर्णब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है और ऐसे लोगों की और गिरफ्तारी की जाए ताकि इस देश में कम से कम मीडिया जो गलत बयानी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग सके।